दोस्तों, यह ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है। इसे कल्पना कर पाना हम जैसे साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं है। यह ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि आप अगर लाइट के स्पीड से यात्रा करोगे तो पूरे जीवन भर में संपूर्ण ब्रह्मांड के सिर्फ 0.00001% हिस्सा ही पहुंच पाओगे। अभी तो आप समझ ही गए होंगे, ब्रह्मांड असीम है और अनंत है, जिसके बारे में समझ पाना हम जैसे इंसान के लिए सिर्फ एक रहस्यमय बना हुआ है। हमारा पृथ्वी इस ब्रह्मांड के इस तरह से मौजूद है जिस तरह से समुद्र के बीच में एक छोटा सा बिंदु। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सीज मौजूद है और उनमें से एक गैलेक्सीज हमारा आकाशगंगा है, और इस आकाशगंगा में एक धूल के कण की तरह मौजूद है हमारा ये प्यारी पृथ्वी जिनमें से हम रहते हैं। आज की इस वीडियो पे हम ब्रह्मांड की कुछ अंश के बारे में बताएंगे जिसको जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो, वीडियो पूरा जरूर देखना। पहले हम शुरू करते हैं चंद्रमा से, जो हमारा यानी हमारे पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल नहीं है। जिस तरह से पृथ्वी की कवच उसका वायुमंडल माना जाता है, उसी तरह से वायुमंडल ना रहने के कारण ना जाने कितने अरबों सालों से चंद्रमा धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह की मार को झेल रहा है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस चंद्रमा पर पानी का खोज किया है। अभी हम बताएंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह भी पृथ्वी की तरह ही एक रॉकी प्लैनेट है और इसका गुरुत्वाकर्षण लगभग पृथ्वी की तरह ही है। लेकिन हम आपको बता दें, इस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा होती है, जिसकी वजह से एक ग्रह कोई नग से कम नहीं है। शुक्र ग्रह पर सूरज की रोशनी भारी मात्रा में आती है जो वापस नहीं जा पाती, इसलिए इस ग्रह का तापमान 470 डिग्री सेल्सियस होता है, और यही कारण है कि इस ग्रह पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाई जाती है। अभी हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में, जो ध्यान से देखने पर बिल्कुल चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। यह ग्रह सूरज से सबसे निकटतर पाया जाता है, इसलिए दिन के समय इसका तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, रात को बुध ग्रह का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे सौरमंडल के आधार सूरज के बारे में। सूरज के बिना जीवन की कल्पना कर पाना असंभव है, ये बात आप जरूर जानते होंगे। पृथ्वी से सूरज की दूरी तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है, जाने कितनी पृथ्वी को समा सकती है। सूर्य के ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि ये पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। सूरज इतना गर्म है कि इसके सतह पर पहुंचने से पहले ही कोई चीजें पिघल सकती है। अभी हम बताएंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह में मिट्टी लाल होने के कारण उसे लाल ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के बाद अगर किसी ग्रह पर जीवन की कल्पना की जा सकती है तो वह मंगल ग्रह ही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह पर पहले जीवन था, लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण यहाँ की जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। लेकिन मंगल ग्रह पर ओलंपस पर्वत मौजूद है। ओलंपस पर्वत ज्वालामुखी से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 25 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो हमारा पृथ्वी की माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा ऊंचाई पर है। अभी हम बात करने वाले हैं अल्फा केन के बारे में। यह हमारा सूरज से सबसे करीब एक और सौरमंडल है। यह हमारा सौरमंडल से इतनी दूरी पर है कि हमारा सूरज से आने वाला रोशनी यहाँ पर पहुँचने के लिए 4 साल 3 महीने का समय लगता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि यह पृथ्वी से कितनी दूरी पर है। अब हम बात करने वाले हैं गिलीस 581 तारा मंडल के बारे में, जो हमारा पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूरी पर मौजूद है। इस तारा मंडल में एक ग्रह देखने पे बिल्कुल हमारे पृथ्वी की तरह ही दिखाई देती है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तारामंडल पर एलियन रह सकते हैं। हमारा आकाशगंगा में ऐसे अरबों तारामंडल मौजूद है जिनकी यात्रा करना तो दूर, पूरे इंसान के जीवन काल में इसकी गिनती कर पाना असंभव है। अभी हम बात करने वाले हैं इंटर गैलेक्टिक स्पेस के बारे में। यहाँ पर हमारा मिल्की वे गैलेक्सी से भी बड़े बड़े गैलेक्सीज मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारे अरबों गैलेक्सीज मौजूद है जिसे लोकल ग्रुप कहते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं वीर्गो सुपर क्लस्टर के बारे में। वीर्गो सुपर क्लस्टर इतना बड़ा है कि इसके अंदर सैकड़ों लोकल ग्रुप शामिल है। वीर्गो सुपर क्लस्टर 110 मिलियन प्रकाश वर्ष से फैला हुआ है। वीर्गो सुपर क्लस्टर के जैसे बहुत सारे सुपर क्लस्टर मौजूद है जिसको लानिया के सुपर क्लस्टर कहते हैं। ये था हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं एक नए नॉलेज के साथ। वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद। बाय।